तो हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ट्रैक्टर ब्रांड की तरफ से आने वाले UDI RC फ्लाइंग मोटरसाइकिल ड्रोन की। तो इस वीडियो में हम इस ड्रोन के बारे में सारी डिटेल जानेंगे, साथ ही इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और इस वीडियो के एंड में आपको इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये ड्रोन लेना है तो आपको एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मिल सके। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इट्स गाने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, कुछ इस तरह के बॉक्स में ये ड्रोन पैक होके आता है। यहाँ पर देखिए, इसके फ्रंट साइड पर आपको फ्लाइंग मोटरसाइकिल लिखा मिलेगा और अगर हम इसके बैक साइड को देखें तो यहाँ पर आपको इसकी प्राइस और कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर हम इसके इस साइड देखें तो आपको यहाँ पर इसमें कितने मोड्स आपको मिलते हैं ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि एल्टीट्यूड होल्ड मोड, मल्टीप्लेयर, लो बैटरी अलार्म, हाई लो स्पीड मोड, हेडिंग होल्ड मोड, वन बटन टेक ऑफ लैंडिंग। तो देखिए, ये फीचर्स और मोड आपको इस ड्रोन में मिलते हैं। और अगर बात करें हम इसके इस साइड की तो यहाँ पर आपको चार्जिंग मेथड दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप फ़ोन चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और अपने कार चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और ये रहा हमारा ड्रोन। तो इसे नीचे रखते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए, इसमें और एक बॉक्स आपको मिलता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको ये चार्जिंग केबल मिलती है जिसे आप किसी भी PC, लैपटॉप या फिर अपने चार्जर अडोप्टर से कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह की चार्जिंग केबल आपको मिलती है। तो चलिए इसे भी नीचे रख देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। और देखिए, इसमें आपको एक्स्ट्रा चार प्रोपेलर देखने को मिलते हैं। अगर आपके ड्रोन के प्रोपेलर खराब भी हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो आप इन प्रोपेलर से उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। और यहाँ पर देखिए, हमें इसके साथ ये रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। देखिए, कुछ इस तरह का। बात करें इस रिमोट कंट्रोल की तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ रिमोट कंट्रोल है। चलिए इस पर लगा हुआ ये रैपर हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है, टेक ऑफ और लैंडिंग का स्विच यहाँ पर आपको मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे ये फ्लाई होने लगेगा। और ऊपर जो ये बटन्स दिए गए हैं तो इस साइड वाला तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं रोटेट करता है और इस तरफ का आगे पीछे दाएं बाएं मूव करता है और ये बहुत स्मूथली वर्क भी करते हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड आपको ये एल्टीट्यूड मोड और हैंडलेस मोड के लिए ये दो बटन दिए गए हैं और इस साइड आपको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए दो बटन दिए गए हैं। और इसके बैक साइड में आपको यहाँ पर देखिए, आप इसमें तीन सेल डाल सकते हैं जिससे कि इसको पावर मिलेगी। ये चार्जिंग पर नहीं चलता, ये बैटरी सेल पर चलता है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बेसिकली ये प्लास्टिक बॉडी है पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ये गिरने पर भी टूटने वाला नहीं है। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं। और देखिए, बॉक्स में कुछ यूज़र गाइड्स दिए गए हैं और इसे ऑपरेट कैसे करते हैं ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं हमारी ड्रोन की तरफ। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पैक हो गया था है, पर ये मैंने पहले से निकाल के रखा था इसलिए ये पैक नहीं है। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं। और देखिए, कुछ इस तरह का लुक इस ड्रोन का दिया गया है। बेसिकली ये मोटरसाइकिल का लुक इसे दिया गया है और इसका नाम भी वही रखा गया है, फ्लाइंग मोटरसाइकिल। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बेसिकली ये प्लास्टिक बॉडी से बना है पर इसकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, ये गिरने पर भी डैमेज नहीं होता। मैंने इसे खुद फ्लाई करके देखा है और ये बहुत बार कुछ ऐसे गिरा भी पर इसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ। और साथ ही जो इसके प्रोपेलर दिए गए हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, पर अगर आपकी उंगली इसमें जाती है तो ये बहुत ज़ोर से लगते हैं, तो इसलिए इसे छोटे बच्चों से दूर ही रखिए। और इसके बैक साइड में आपको ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर पीछे, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे देखिए, ये मैंने ऑन कर दिया।
और यहाँ पर आपको आगे एक रेड लाइट मिलती है जो कि ऑन होने पर ब्लिंक करने लगती है, और जब आप इसे चार्जिंग लगाएंगे और चार्जिंग फुल हो जाएंगी तब ये लाइट ग्रीन हो जाती है। और देखिए इसके इस साइड आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो आपको चार्जिंग केबल दी गई है उसे यहाँ पर आप कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं। और ये जो ऊपर टॉय दिया गया है उसे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, और ये देखिए कुछ इस तरह का टॉय इसमें दिया गया है, और आप इजीली इसे वापस भी लगा सकते हैं। ये ड्रोन अगर काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो ये टॉय निकल भी जाता है, पर आप इसे इजीली वापस से भी लगा सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से वापस इसमें फिट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें दिए गए कुछ फीचर्स की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे आप मोबाइल चार्जर, लैपटॉप या फिर अपने पावर बैंक या फिर कार चार्जर से भी चार्जिंग कर सकते हैं, और ये 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। बात करें इसके बैटरी बैकअप की तो इसमें आपको 8 मिनट का बैटरी बैकअप मिल जाता है। जहाँ तो 8 मिनट बहुत थोड़े होते हैं, पर इसके साइज़ और बैटरी के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा है। और अगर बात करें इसके रेंज की तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है, और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ड्रोन होते हैं उनकी रेंज बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि इसकी रेंज आपको 40 से 50 मीटर की इजीली मिल जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका रिमोट बैटरी सेल से चलता है, इसमें आपको चार्जेबल बैटरी नहीं मिलती। तो चलिए इसमें मैं सेल डालकर आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसमें आपको 3 सेल डालने पड़ते हैं। तो चलिए इसे लगा देते हैं, और देखिए ये रिमोट अब रेडी है। तो चलिए इस रिमोट को ऑन करते हैं। यहाँ पर जो ऑन ऑफ बटन दिया गया है उसे प्रेस करते हैं, और ये देखिए ये ऑन हो चुका है। और चलिए अब ड्रोन को भी ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके पीछे जो ऑन ऑफ बटन दिया गया है उसे प्रेस करते हैं, और ये ऑन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ पर लाइट भी ब्लिंक होने लगी है। तो चलिए आप रिमोट को इसे कनेक्ट करते हैं। रिमोट को कनेक्ट करने के लिए बस आपको ये जो जॉयस्टिक है वो ऊपर की तरफ ऐसे पुश करनी है। देखिए कुछ इस तरह से, और देखिए ये लाइट अब ब्लिंक होना बंद हो चुकी है, यानी कि ये अब इससे कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब ये कनेक्ट हो चुका है, तो अब मैं आपको इसे फ्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी पावर देखिए आप, जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ वैसे ही ये फ्लाई होने लगता है। देखिए जैसे आप इसका टेक ऑफ वाला बटन प्रेस करते हैं वैसे ही ये ऊपर की तरफ जल्दी से फ्लाई होता है। तो चलिए इसे और एक बार फ्लाई करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये गिर गया है। देखिए ये फ्लाई होते ही यहाँ पर गिर गया है। यहाँ पर तो इसकी टेस्टिंग नहीं हो पाएंगी, पर मैं इसे आउटडोर ले जाकर इसकी टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको इसकी मोटर की पावर दिखाता हूँ। देखिए इसके मोटर बहुत ही पावरफुल है, और इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ मेरे हाथ जितनी है। तो चलिए आप इसे आउटडोर ले जाकर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए आपने इसकी टेस्टिंग तो देख ली, बैकग्राउंड में मेरे कुछ दोस्त इसे फ्लाई कर रहे थे, और साथ ही ये फ्लाई करते समय बहुत बार गिरा भी, पर इसे कुछ डैमेज नहीं हुआ, और साथ ही इसकी बैटरी भी बहुत देर तक चली। हमने इसे काफ़ी फ्लाई किया और काफ़ी ऊंचाई तक भी ये गया, और आपने खुद इसकी स्टेबिलिटी भी देखी होगी, ये बहुत ही स्टेबल फ्लाई करता है। और इसकी रिमोट की रेंज भी आपको अच्छी खासी मिलती है, और टेस्ट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ड्रोन है। स्टेबिलिटी के मामले में, बैटरी के मामले में, और साथ ही रेंज के मामले में ये बहुत ही अच्छा ड्रोन है। अब बात करते हैं आपको बाय करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है। अगर आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो आप उनके लिए ये ड्रोन ले सकते हैं। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस जो बॉक्स पर दी गई है उससे कम ही है। फ्लिपकार्ट पर आपको ये 1250 में ईजिली मिल जाएगा। मैंने इसकी बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ जाकर इसे बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इस फ्लाइंग मोटरसाइकिल ड्रोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।